हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग को स्वागत है। मेरे पास में रेडमी का फ़ोन 9 पावर है, जो कि इसका प्रॉब्लम आप लोग को दिखाते हैं। कहीं भी कॉल लगाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाता है, डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाता है। देखिए, कुछ भी कहीं भी दबा लीजिए, कुछ भी, ये लाइट आने वाला है ही नहीं। आप फ़ोन लगाइएगा कहीं तो काटने के लिए अगला को बोलिएगा फ़ोन काटिए, इधर से कटेगा ही नहीं। देखिए, फिर लगाते हैं, देखिए लगता है फ़ोन, लेकिन लाइट ऑफ हो जाता है। इसका यही प्रॉब्लम है। चलिए 198 में लगाते हैं, इसमें भी वही प्रॉब्लम प्रॉपर ही, तो इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। और जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले इसको सिम को रिमूव निकाल लेते हैं बाहर और रिपेयर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, कहाँ से क्या दिक्कत है आप लोग को बताएँगे। इसका सेंसर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेंसर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सभी को स्क्रू को निकाल लेते हैं जल्दी से, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कहाँ से क्या दिक्कत है। आप लोग को इस वीडियो में ही पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरह का बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, खोल लिए हैं इसका बोर्ड को, निकाल लेंगे बोर्ड को भी, निकाल लेंगे बाहर। क्या दिक्कत है जो इसका इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है? सेंसर का ही प्रॉब्लम रहता है अधिकतर। देखिए, इसका रबड़ को भी निकाल लेते हैं, सेंसर वाला को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ड्राई सॉल्ट हो जाता है, कचड़ा घुस जाता है, तो अभी इस तरह का होता है। तो सबसे पहले क्लीन कर लीजिएगा, थिनर पेट्रोल जो भी है आपके पास में अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में नहीं होगा आप सब बताएंगे आपको कैसे करना है नहीं करना है। देखिए, ये रबड़ को भी, सेंसर रबड़ है, इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। और आपको इस वीडियो में ही बता देंगे क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि इसका रबड़ भी है, फिर भी इसको क्लीन करना पड़ता है। अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा और इसका फोल्डर भी हल्का निकला हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ निकला हुआ है फोल्डर। पता नहीं चलता है, क्योंकि फोल्डर के कारण से भी हो सकता है कि प्रॉपर, देखिए ऐसे फुल निकला हुआ नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। देखिए, इसमें किनारे से हल्का हल्का से चिपका देंगे, इसमें रबड़ लगा देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें रबड़ लगा देते हैं थोड़े 1-2 मिनट के लिए लगा देंगे रबड़, कि प्रॉपर इसमें चिपक जाए। कुछ देरी के लिए वीडियो रोक के, देखिए कुछ देरी रोक दिए वीडियो, उसके बाद में आप सभी को अच्छी तरह से इसमें बैठाएंगे, जिस तरह से बैठाए उसी तरह से बैठाना होगा सेंसर रबड़ को भी, नहीं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। और ये कैमरा वाला रबड़ को निकालते हैं पहले, इसको भी नेटवर्क वाला RF केबल को भी बैठा लीजिएगा।
एक बार चेक करना सही रहता है। चलिए कैमरा वाला रबड़ को बिठाना पड़ेगा, भूल गए थे तो वीडियो रोक के वो बिठा दिए उसको। अच्छी तरह से अभी स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा। टाइट हो जाना चाहिए। अब क्योंकि इसका प्रॉब्लम मेरे ख्याल से एलसीडी के ये जो फोल्डर जो हल्का सा प्रॉपर बैठा नहीं था उसके कारण से ही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा तो कचरा था नहीं इसमें, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं था, फिर भी क्लीन कर दिए हैं, पर फोल्डर के कारण से ही वर्क शायद नहीं करता होगा। तो इसको चेक करेंगे, सिम को लगा लेते हैं एक बार, क्या काम हुआ या नहीं हुआ आप लोग देखिए, क्योंकि जो भी है आपके सामने काम कर रहे हैं, कहीं भी लगाते हैं 198 में देखते हैं सेंसर काम करने लगा। देखिए लाइट ऑफ नहीं हो रहा है, अब देखिए काम करने लगा, अब फोन भी लग गया, लाइट ऑफ नहीं होता है, सेंसर भी काम करने लगा, अच्छी तरह से भी काम करने लगा। देखिए कहीं भी लगाएंगे, देखिए सेंसर के सामने उंगली जाता है तो ऑफ होता है, पर ऐसे लाइट ऑफ नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो शायद आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो मेरा चैनल में जाके वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कल में सेट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।